जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ धनु राशि का सरकारी नौकरी योग अगस्त के महीने में। धनु राशि वाले जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे पर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या अगस्त में योग बनता है आपका सरकारी नौकरी योग का? तो यदि आपकी धनु राशि है, धनु लग्न है या आपके नाम से धनु राशि बनती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लग्नेश, आपके पंचमेश, आपके भाग्येश और कैरियर हाउस के स्वामी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सूर्य भी आपकी जन्मपत्री में मजबूत होना चाहिए। अगर सूर्य आपकी जन्मपत्री में मजबूत है तो आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो जानते हैं पहले कि गोचर क्या कहता है, क्या गोचर के अनुसार अगस्त के महीने में सरकारी नौकरी योग बनता है, उसके बाद जानेंगे कि क्या आपकी जन्मपत्री में सरकारी नौकरी योग है और क्या ये अगस्त के महीने में बन रहा है। तो शुरू करते हैं गोचर से। यहाँ आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति हैं जो पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु राहु का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु से संबंधित चीज़ों में थोड़ी सी समस्याएं परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही आपके भाग्य के स्वामी सूर्य हैं जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कैरियर के स्वामी बुध हैं जो कैरियर भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो गोचर के अनुसार आपको मेहनत बहुत करनी है, मेहनत करने के बाद ही आपको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। आपकी सरकारी नौकरी अगस्त के महीने में बहुत आसान योग नहीं बन रहे हैं, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। कुछ लोग और ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि मेरी तो बहुत अच्छे से तैयारी है, मेरा एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा या मुझे तो ये जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो भी आपको समस्या उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर गोचर बता रहा है कि अगस्त के महीने में सरकारी नौकरी योग है। अब आप अपनी जन्मपत्री खोलिए और उसके अंदर देखिए आपके लग्नेश, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके नवम भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं या कैरियर हाउस में बैठे हैं। अगर इन हाउसेस में बैठे हैं तो स्ट्रॉन्ग सरकारी नौकरी योग बनता है। इसके अलावा सूर्य अकेले लग्न में बैठे हों, सूर्य अकेले चतुर्थ भाव में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों या दशम भाव में बैठे हों तो भी स्ट्रॉन्ग सरकारी नौकरी योग बनता है। अब हमने जाना कि गोचर के अनुसार सरकारी नौकरी योग है, जन्म पत्री के अकॉर्डिंग भी सरकारी नौकरी योग बन रहा है, क्या ये योग अगस्त में बन रहा है? अब आप अपनी महादशा का पेज खोलिए और उसके अंदर देखिए आपको आपके लग्नेश की, आपके भाग्येश की और आपके कैरियर भाव की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगस्त के महीने में किस तारीख से मिल रही है। इसके साथ ही अगर आपको सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी मिल रही है तो वो समय है आपके सरकारी नौकरी योग का, वो समय है आपके एग्ज़ाम का, वो समय है सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने का, क्योंकि वो समय आपके सरकारी नौकरी मिलने का पूर्ण योग दर्शा रहा है। तो जल्दी से अपनी जन्मपत्री खोलिए और जल्दी से देखिए कि आपकी जन्मपत्री में सरकारी नौकरी योग है तो वो योग कब से शुरू हो रहा है, अगस्त में कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है, वो है मजबूत सरकारी नौकरी योग। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जन्मपत्री में सरकारी नौकरी योग तो बन रहा है पर वो मजबूत नहीं बन रहा है, सूर्य की स्थिति कमज़ोर है या नवमेश, लग्नेश या भाग्येश डिग्री के अकॉर्डिंग कमज़ोर हैं। ऐसी स्थिति में आपको चीज़ें मिलते मिलते रह जाएंगी, आप प्रयास करेंगे, एग्ज़ाम देंगे तो 0.5 या 1 नंबर से रह जाएंगे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो काबिल होते हुए भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए उपाय की आवश्यकता है, आपको उपाय करने होंगे। क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले आपने रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में सूर्य को जल ज़रूर देना है। तांबे के पात्र में जल भरेंगे, रोली, चावल, गुड़ और एक लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आप जल अर्पित करेंगे।
उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी वहीं बैठकर करना है। अगर आपको स्पेस मिल जाता है तो आप वहां बैठ के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, और यदि आप ऐसी किसी जगह से जल दे रहे हैं कि स्पेस नहीं है तो आप अपने मंदिर में बैठ के इस पाठ को कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने रोज़ अपनी थाली की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को ज़रूर खिलाना है। एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेंगे आपने, इसको शनिवार को करना है इस उपाय को। इस नारियल को अपने सर से आपने 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बहते पानी में प्रवाह करना है। इसको आपने 11 शनिवार लगातार करना है। ऐसा करने से आपके लाइफ में सरकारी नौकरी का योग मजबूत होगा और जो भी बाधाएं और परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो दूर होंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी क्या धनु राशि का अगस्त के महीने में सरकारी नौकरी योग बनता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, और यदि वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।